हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। और आज हम करने जा रहे हैं फेमस इंडियन स्पाइसेस। देखिए, हम अपने डेली यूज की चीजों में अगर किसी चीज के नेम को लेके सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं तो वो होते हैं नेम्स ऑफ स्पाइसेस। क्योंकि जब भी हम स्पाइसेस परचेज करने जाते हैं तो कई बार हम देखते हैं कि ये जो नेम होते हैं ये इंग्लिश में प्रिंट होते हैं और हम विदाउट इमेज इनको जज नहीं कर पाते। तो आज का हमारा जो वीडियो है आपकी स्पाइसेस नेम को लेके सारी कंफ्यूजन्स दूर करने वाला है। और इस तरह की वोकैब जो है आप चाहते हैं और वीडियोस बने तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तो देखते हैं हमारी वोकैब ऑफ स्पाइसेस। देखिए, आज का हमारा पहला जो स्पाइस है वो है गूजबेरी। गूजबेरी यानी के आंवला। तो यहाँ पे देखिए, आंवले से रिलेटेड दो इमेजेस हैं। एक तो ये क्या है, ग्रीन फ्रेश आंवला है जो एज अ वेजिटेबल यूज होता है, और दूसरा क्या है, ड्राई है जो कि ड्राई गूसबेरी यानी कि गूसबेरी पाउडर है इसके साथ जो हम एज अ स्पाइस यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा नाइजेला सीड्स। अब नाइजेला सीड्स क्या होती है, नाइजेला सीड्स होती है कलौंजी। देखिए यहाँ पर इसकी इमेज दिखाई है, ये जो ब्लैक ब्लैक सीड्स हैं ये किसके सीड्स हैं, ये नाइजेला के सीड्स हैं यानी कि ये क्या है, कलौंजी। नेक्स्ट है हमारा व्हाइट पेपर। व्हाइट पेपर अब क्या होता है, ये यहाँ ध्यान से देखिए, इसको हम कहते हैं सफेद मिर्च। हाँ जी, दो मिर्च आपने और भी सुनी हुई है लेकिन ये एक थर्ड वेराइटी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, सफेद मिर्च या फिर व्हाइट पेपर। नेक्स्ट है यहाँ पे अनसीड। अनसीड क्या होता है, सौंफ। यहाँ पे देखिए ये जो सीड्स दिखाए गए ये किसके हैं, ये सौंफ के हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अनसीड। नेक्स्ट है हमारा बेसिल। बेसिल क्या होती है, तुलसी। देखिए जैसे सबको पता है मेडिसिनल प्लांट है, तो ये क्या है, तुलसी के सीड्स हैं और ये क्या है, लीव्स हैं जो तुलसी की। नेक्स्ट हमारा है बीटल नट। बीटल नट क्या होता है, सुपारी। जी ये इमेज देखिए, इसको देख के आपको याद आ गया होगा कि बीटल नट क्या है, ये सुपारी है। देखिए इसमें कुछ कटी हुई है और कुछ ये इनकी क्या है, ये साबुत है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट देखते हैं हम बेलडोना। बेलडोना होता है धतूरा। देखिए ये एक, वैसे तो कहते हैं कि एक नशे वाला जो होता है ऐसा ही स्पाइस होता है, लेकिन ये कई बार एज ए मेडिसिन यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा टैमरिंड। अब देखिए टैमरिंड क्या होता है, इमली। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपकी बनी हुई है ये फलियां, ये क्या किसकी फलियां है, ये टैमरिंड की है, और ये क्या है, टैमरिंड सीड्स है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे मस्टर्ड सीड्स। मस्टर्ड सीड्स, जी हाँ, ये देख के आपको याद हो गया कि कौन से होते हैं मस्टर्ड सीड्स, याद आ गया होगा। तो ये दो तरह के होते हैं, इनका कलर एक तो ब्लैक होता है, ये ब्लैक मस्टर्ड सीड्स हैं, और ये व्हाइट मस्टर्ड सीड्स हैं, और ये मस्टर्ड ऑयल है जो हम घर में आम यूज करते हैं। इनको हिंदी में कहते हैं सरसों या फिर राई। नेक्स्ट है हमारा कोरिएंडर सीड्स। देखिए कोरिएंडर सीड्स में यहाँ पर देखिए ये क्या है, हमारे ये हमारे सीड्स हैं, और ये जो है ये कोरिएंडर सीड्स पाउडर है। तो इसको जो है क्या बोलते हैं हिंदी में, धनिया, और इंग्लिश में कोरिएंडर। नेक्स्ट है हमारा ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर, जी पीछे आपने व्हाइट पेपर भी देखा था, तो ये अब दूसरी वैरायटी आ गई, कौन सी, ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, और ये क्या है, ब्लैक पेपर सीड्स हैं, और ये वाला क्या है, उनका पाउडर है। नेक्स्ट है हमारा रेड चिली। देखिए यहाँ पर ये रेड चिली है, जी हाँ, जब ये फ्रेश होती है तो ग्रीन होती है, और ड्राई होने के बाद इनका कलर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है, तो ये रेड चिली है, और ये क्या है, रेड चिली पाउडर। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, लाल मिर्च। नेक्स्ट है हमारा फेनोग्रीक। अब देखिए फेनोग्रीक क्या होता है, फेनोग्रीक होता है हमारा मेथी। मेथी यहाँ पे देखिए फेनोग्रीक सीड्स हैं, और ये क्या है, फ्रेश फेनोग्रीक है, इसे जो है कसूरी मेथी भी कहते हैं।
नेक्स्ट है हमारा क्लोव्स। क्लोव्स क्या होते हैं? लौंग। देखिए यहाँ पर ये जो है ये क्लोव्स है, ये साबुत है और ये क्या है? क्लोव पाउडर। नेक्स्ट है हमारा लिकराइस। लिकराइस क्या होता है? लिकराइस होता है मुलेठी। जी हाँ, ये लिकराइस रूट इसलिए इसका नाम है क्योंकि ये एक ट्री होता है और उस ट्री की जो रूट होती है उसको वो निकाल के क्या करते हैं? यूज करते हैं एज ए स्पाइस और इसका नाम है लिकराइस। नेक्स्ट है हमारा कैम्फर। कैम्फर जैसे कि आपको बॉल्स को देख के ही पता चल गया होगा ये क्या होता है, ये होता है कपूर। नेक्स्ट है हमारा पोमीग्रेनेट सीड्स। जी हाँ, पोमीग्रेनेट होता है अनार और सीड से बन गया दाना। तो ये जो इमेज है ये किसकी है? पोमीग्रेनेट सीड्स की, यानी कि अनार दाना। नेक्स्ट है हमारा रॉक साल्ट। अब ये जो इमेज है ये रॉक साल्ट की है और इसको हम हिंदी में कहते हैं सेंधा नमक। नेक्स्ट है हमारा ब्लैक कार्डमम। अच्छा, ब्लैक कार्डमम क्या होता है? बड़ी इलायची। देखिए यहाँ पर जो ये इमेज है ये जो इसको मोटी इलायची भी कहते हैं, बड़ी इलायची भी कहते हैं और क्या कहते हैं? ब्लैक कार्डमम भी कहते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट है ग्रीन कार्डमम। ग्रीन कार्डमम छोटी इलायची यानी कि हरी इलायची, और जो है इसका देखिए यहाँ पर ये ग्रीन कलर की होती है और ये साइज में जो है ब्लैक कार्डमम से छोटी होती है। नेक्स्ट है क्यूमिन सीड्स। जी हाँ, क्यूमिन सीड्स ये क्या है? जीरा। क्यूमिन सीड्स को हिंदी में कहते हैं जीरा। तो ये क्यूमिन सीड्स पाउडर है और ये क्या है? उसके सीड्स हैं। नेक्स्ट है हमारा ड्राई जिंजर। ड्राई का मतलब सूखी, जिंजर का मतलब अदरक। जी हाँ, अदरक जब सूख जाती है तो उसका भी क्या कौन सा स्पाइस बनता है? उसको कहते हैं सौंठ। तो ये देखिए ये ड्राई जिंजर है और ये ड्राई जिंजर पाउडर है। नेक्स्ट है गम ट्रेगाकेंथ। अब देखिए गम ट्रेगाकेंथ क्या होता है? इसको बोलते हैं गूंद कतीरा। ये देखिए कुछ गम जैसे यहाँ पे ये जो इमेज दिख रही है आपको यही होता है गूंद कतीरा, और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्रेगाकेंथ, गम ट्रेगाकेंथ। अब ये है कैरवे। कैरवे क्या होता है? देखिए छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं इसमें इमेज में और इसको बोलते हैं अजवाइन। नेक्स्ट है हमारा सोप नट। देखिए ये साबुत सोप नट है और ये सोप नट पाउडर है और हिंदी में इसे कहते हैं रीठा या हरीठा। ये क्या है? ये है हमारा असफेटिडा। असफेटिडा क्या होता है? हींग। देखिए ये असफेटिडा पाउडर है और ये असफेटिडा क्या होती है? ये जो सॉलिड हमें दिखाई दे रही हैं, सॉलिड छोटे छोटे बॉल्स। नेक्स्ट है हमारा फ्लैक्स सीड्स। अब फ्लैक्स सीड क्या होते हैं? यहाँ पर दिए हुए हैं फ्लैक्स सीड और इनको देख के याद आ गया होगा। जी हाँ, इनको हिंदी में कहते हैं अलसी। नेक्स्ट है हमारा माइरोब्लान। अब देखिए माइरोब्लान क्या होते हैं? ये हमारी होती है हरण। देखिए यहाँ पर ये जो दिखाई दे रही है ये साबुत हरण है, यानी कि साबुत माइरोब्लान और ये क्या है? हरण पाउडर। नेक्स्ट है हमारा सैफरन। देखिए सैफरन क्या होता है? केसर। ये सैफरन फ्लावर है ये और ये हमारा क्या है? ड्राई सैफरन है। नेक्स्ट है हमारा सिनेमन। सिनेमन क्या होती है? दालचीनी। इसको सिनेमन स्टिक्स भी कहते हैं। तो दालचीनी की कुछ इस तरह से स्टिक्स बनी होती है जब ये साबुत होती है तो इसको क्या बोलते हैं? सिनेमन स्टिक्स और ये क्या है? सिनेमन पाउडर। अब ये देखिए आपका क्या है? ये है हमारा ब्लैक सीसम सीड्स। अब ये देखिए इनको ब्लैक सेसमी भी बोलते हैं कि ये ब्लैक सेसमी सीड्स हैं, यानी कि काले तिल। यहाँ पर देखिए ये जो इमेज दिखाई दे रही है किसी की, इसकी है ब्लैक सेसमी सीड्स की, यानी कि काले तिल। ये है हमारे क्या?
ड्राई मिंट। देखिए ये जो ग्रीन लीव्स दिखाई दे रही है ये फ्रेश है, तो ये ग्रीन मिंट होती है, और ये जो इधर है ये ड्राई है यानी कि ब्राउन हो चुकी है, इसको क्या बोलेंगे, ड्राई मिंट यानी कि सूखा पुदीना। नेक्स्ट है हमारी बे लीफ। ये बे लीफ की इमेज है, यहाँ पर आपको ये लीफ दिख रही है, ड्राई हो रखी है ये, और इसको हिंदी में कहते हैं तेज पत्ता। नेक्स्ट है हमारी लौंग पेपर। जी हाँ, ये भी एक स्पाइस होता है, और इसका नाम क्या होता है, लौंग पेपर। इस तरह से ये लंबी लंबी होती हैं ये कलियां, और इसको हिंदी में कहते हैं पीपली। नेक्स्ट है हमारा नटमेग। नटमेग ये देखिए इधर ये दिया हुआ, ये गरम मसालों में डलते हैं, तो इसका क्या नाम है, इसका नाम है जायफल। इसको हिंदी में जायफल कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं नटमेग। नेक्स्ट है हमारा मेस। मेस ये देखिए ये ऐसे फ्लावर से दिखाई दे रहे हैं आपको ड्राई, इसको हम कहते हैं जावित्री। नेक्स्ट है ड्राई मैंगो पाउडर। देखिए ये आपको यहाँ पे ग्रीन मैंगो भी दिखाए गए हैं साथ में, और फिर इसको ड्राई करके और ये पाउडर बनाया जाता है, तो इसको ड्राई मैंगो पाउडर, तो और हिंदी में क्या कहते हैं, अमचू यानी कि आम का चूरन। अब ये क्या है, क्यूब पेपर। क्यूब पेपर क्या होती है, कबाब चीनी। जी हाँ, ये भी एक स्पाइस है, ये जो आप इमेज देख रहे हैं इस तरह की शक्ल होती है इसकी, तो ये क्या होती है, क्यूब पेपर। नेक्स्ट है हमारा स्टार एनस। अब स्टार एनस क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, चक्र फूल। देखिए ये फ्लावर की शेप में है और राउंड राउंड है, इसलिए इसको चक्र कहते हैं, चक्र की तरह बने हुए हैं, तो ये क्या है, स्टार एनस यानी कि चक्र फूल। नेक्स्ट है हमारा व्हाइट सेसमी सीड्स। व्हाइट सेसमी सीड्स होते हैं हमारे सफेद तिल। जी हाँ, हमने पीछे ब्लैक सेसमी सीड्स देखे थे जो काले तिल थे, और ये व्हाइट सेसमी सीड है यानी कि ये सफेद तिल है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, वोकैब ऑफ स्पाइसेस। और फिर से आपको रिमाइंड कर रही हूँ कि इस तरह की वोकैब अगर आप और चाहते हैं तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू।